अब हम कक्षा 8वीं के अध्याय 8 को देख लेते हैं। तो अध्याय 8 में बीजी व्यंजकों के गुणनखंड एवं गुणनखंडन। इसमें हम प्रश्नावली 8.1 के पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न व्यंजकों के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो इसके अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो इनमें से पहला देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 5t² के गुणनखंड। फाइव टी स्क्वायर के हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड कैसे कैसे निकाला जा सकता है? तो देखो, यहाँ पे एक गुणित करके 5t² कर सकते हैं। तो एक बार ये गुणनखंड निकल गया, ठीक है। दूसरा दूसरा और इसको कैसे लिख सकते हैं? दूसरा हम लिख सकते हैं 5 को अकेले करके टी के स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा गुणनखंड हो गया। और इसे कैसे लिख सकते हैं? इसमें इसे 5 के साथ एक टी को इसको ऐड कर दो और एक टी को अलग कर दो। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और कुछ और आगे लिख सकते हैं क्या? नहीं, बस इतना ही कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, मान रिपीट हो रहा है। तो इसका गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ हमें? तो यहाँ पे लिखो, अतः 5t² के गुणनखंड बराबर, सभी मानों को लिख लो एक, उसके बाद यहाँ पे अल्पविराम, फिर 5t² दूसरा है, उसके बाद क्या है, 5 है, ठीक है, 5, फिर टी स्क्वेयर, फिर यहाँ पे क्या है, 5t है, फिर क्या है, t। तो ये प्राप्त हुआ, ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ में आया? एक और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसमें दूसरा देख लेते हैं इसी का। दूसरा प्रश्न क्या है, 7xy के गुणनखंड। इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? एक तो एक के साथ गुणा करोगे तो एक गुणनखंड ये प्राप्त हो गया। दूसरा इसको और कैसे लिख सकते हैं? दूसरा हम लिख सकते हैं इसको 7 को अकेले करो, बाकी एक्स वाई को एक साथ रखो। उसके बाद तीसरा कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 7 के साथ एक्स लाओ और वाई को अकेले कर दो। चौथा कैसे लिख सकते हैं हम लोग? चौथा लिख सकते हैं 7 और y एक साथ करो और x को अकेले लिख लो। तो इतने सारे इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब यहाँ पे लिखो, अतः देखो, इस सभी को गुणा करेंगे तो यही मान प्राप्त होगा ना, तो इसलिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना। इसको देखो, जितने भागों में हमें हमें तोड़ सकते थे उतने भागों हमने इसको तोड़ लिया। अतः 7xy के गुणनखंड क्या क्या निकले? तो एक निकला 1 आया, फिर 7xy आया दूसरा, तीसरा 7, चौथा xy, पांचवा 7x, उसके बाद है y प्राप्त हुआ, उसके बाद 7y, उसके बाद है x प्राप्त हुआ। और ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक, समझ में आ गया। इसके जो दो प्रश्न हैं उनको आप लोग बना के देख लेना। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न व्यंजकों के सभी संभावित गुणनखंड लिखकर महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इनका जो प्रश्न पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, 5s है ना, उसके बाद 2s², इनके क्या निकालना है हमें? गुणनखंड निकालना है। तो पहले इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 5s के गुणनखंड बराबर, इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो एक गुणित 5s लिख सकते हैं और दूसरा 5 गुणित इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हो? एक, 5s, फिर 5, फिर s, इतना इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब इसके महत्तम समापवर्तक भी निकालना है, तो महत्तम इसको लास्ट में निकालते हैं, ठीक है। महत्तम समापवर्तक वाला विधि मैं बताता हूँ। इसके बाद 2s² के गुणनखंड बराबर 1 गुणित 2s का वर्ग बराबर 2, 2 गुणित करो, उसके बाद s को स्क्वायर लिखो, फिर 2 के साथ एक s ला लो और एक s को अलग कर लो। तो इतने सारे इसके क्या निकल गए? गुणनखंड निकल गए। तो इसको लिखो, 1 गुणित 2s का वर्ग
फिर दो, फिर एस का वर्ग, फिर दो एस, फिर एस, इतना इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है इन दोनों गुणनखंडों में, ठीक है, इन दोनों गुणनखंडों में देखो समान समान क्या है, एक और एक, देखो यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक है, दोनों में हमें एक प्राप्त हो गया। फिर यहाँ पे देखो और कौन सी राशि, ये है क्या पाँच किसी में है, नहीं है, पाँच एस नहीं है, पाँच भी नहीं है, और यहाँ पे देखो एस अकेला, यहाँ भी एस अकेला, देखो तो दो राशि हमारे पास कॉमन निकल गया, क्या क्या, एक और एस, तो उसे कहते हैं हम लोग उभयनिष्ठ, दोनों में से निकल गया, तो यहाँ पे लिखो उभयनिष्ठ गुणनखंड, क्या क्या प्राप्त हुआ, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक प्राप्त हुआ और एस प्राप्त हुआ, ठीक है, दो चीज हमें प्राप्त हो गया। अब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो करोगे वही मान प्राप्त होगा, अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो हमें एस का एस ही प्राप्त होगा, तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक वो क्या प्राप्त हुआ, एस प्राप्त हुआ, ठीक है। अब दूसरी विधि जिससे हम महत्तम समापवर्तक आसानी से निकाल सकते हैं वो कौन सा है, उसको भी उपयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप देखे होंगे ऐसे भी हल करते हैं, तो 5 और एस और ये 2s², इसको हमें भाग देना है, तो देखो यहाँ पे कॉमन राशि क्या क्या है, देखो एस एस दोनों में है, तो हम इसको एस से भाग दे देते हैं, तो एस से भाग देंगे तो देखो यहाँ पे एस एक ही बार है, तो एक बार है तो कट गया, तो बचा क्या, शेष 5 बचा, यहाँ पे देखो एस कितने बार है, दो बार है, तो यहाँ पे एक एस कट जाएगा, तो कितने एस बचेगा, एक एस बचेगा, तो यहाँ पे 2s, उसके बाद और भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या प्राप्त हो गया, एस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अतः महत्तम समापवर्तक बराबर एस है, ठीक, समझ में आ गया, ये सबसे आसान विधि है, आप जब इसको बनाओगे इसके साथ इसको भी बना ले। इसमें एक और प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न क्या है, 9m² और क्या है 3t, ये दो प्रश्न है, ये प्रश्न है, ठीक है, इसके भी हमें क्या निकालना है, इसका भी हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इससे पहले हमें क्या निकालना है, गुणनखंड करना है, तो 9m² के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हो सकता है 1 × 9m², दूसरा 9 को 9 अकेले रखो और उसके बाद m² लिख सकते हो, फिर यहाँ पे 9m करो और m को इस तरह से लिख लो, और कुछ लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो देखो यहाँ पे 3 से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसको हम तोड़ भी सकते हैं, 3 × 9 तो ये भी वर्ग हो रहा है, तो वर्ग हो जाएगा, तो 3 का वर्ग हो रहा है, तो इसको 3 का वर्ग ऐसे लिख सकते हो, और m × m ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ये अभी कई बार टूट सकता है क्योंकि वर्ग आ चुका है, तो भाई 3m × 3m देखो वही प्राप्त हो रहे हैं, तो इस तरह से ये ऐसे प्राप्त हो गया, तो इतने सारे सीरीज इसके प्राप्त हो रहे हैं, और क्या प्राप्त हो सकता है, 3 ऐसे लिखो गुणित एम 3 ऐसे और 3m² इस तरह से यहाँ तक के मान प्राप्त हो गया, तो इसके गुणनखंड को यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, तो क्या क्या है, एक है, 9m² है, 9 है, उसके बाद m² है, फिर 9m है, फिर m प्राप्त हुआ, फिर 3m³ m, फिर m, दो बार m लिख रहे हैं ना, एक ही बार लिखना है हमें, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 3m लिखो और 3 और 3m², ठीक है, इतने सारे मान इसके निकल गए। इसके बाद हमें 3t का निकालना है, तो 3t के गुणनखंड, इसका भी गुणनखंडन कर लेते हैं, गुणनखंड का मतलब समझ गए ना, गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना, और ये हो गया 3, 1 × 3t, फिर 1 लिखने की जरूरत नहीं, 3 × t ये हो गया, तो इसके गुणनखंड क्या है, बस इतना ही आया।
थ्री और टी बस प्राप्त हुआ। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, तो यहां पे लिखो उभयनिष्ठ। देखो क्या क्या निकल रहे हैं, तो यहां पे देखो तीन यहां पे है, तीन यहां पे है, दोनों में तीन तीन है, तो तीन हमारे पास कॉमन आ गया। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, टी भी है क्या इसके साथ, टी नहीं है, तो इसका उभयनिष्ठ आ गया तीन। तो महत्तम समापवर्तक क्या प्राप्त हुआ, तीन प्राप्त होगा। तो देखें अब हम इस विधि में इसको हल करके देख लेते हैं, तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक है वो आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 9 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे m है और t है, तो m और t से तो नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों राशि में, अगर जो राशि दोनों में होगा उसी से हम भाग करेंगे। तो देखो 3 यहाँ पे है और 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, तो हम 3 से भाग दे सकते हैं। तो कितने बार जाएगा, 3 दिया 9, 3 बार गया, बचा क्या, 3 और एम स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 एकम 3, ये भी एक बार गया, बचा क्या, टी, ठीक है। 3 एकम 3 एक बार जाके कट गया, बचा ये। तो इसमें हमारा महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, जो दोनों राशि को काटता हो, ठीक है, इसको भी काट दिया, इसको इसको भी काट रहा है, अगर दोनों से भाग चला जाए वही राशि क्या होगा, हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। तो महत्तम समापवर्तक क्या प्राप्त है, 3। तो यहाँ पे लिखो अतः महत्तम समापवर्तक बराबर 3 है, ठीक, ये समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न और चौथे प्रश्न को आप लोग बना के देखना। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इनमें से पहला प्रश्न है 6m² l और है 12m l का क्यूब। ये प्रश्न है, इसका हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो हम इसमें महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो एक तो वो विधि है जिसे हमने निकाला हो वो भी हल करेंगे, और दूसरा क्या है, एक अलग विधि जो आपके बुक में बनाने के लिए कहा गया उस विधि से भी हल करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दोनों में क्या है, संख्या संख्या कौन से, 6 और 12 संख्या है, तो पहले संख्या संख्या निकाल लेते हैं। 6 एवं 12 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, 6 और 12 संख्या है ना, नंबर, तो इनका पहले महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो देखो 6 के पहाड़ा में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो 6 कम 6 है, 6 दूनी 12, तो 6 से जा रहा है, मतलब इसका महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 6 आ गया। उसके बाद देखो दोनों में m है, तो m का भी निकाल लेते हैं, m² एवं m का महत्तम समापवर्तक क्या हो सकता है, दोनों में m है मतलब m से जा सकता है, तो इसका m क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। फिर l का निकालो, l एवं l³ का महत्तम समापवर्तक क्या हो सकता है, इसका होगा l, तो ये हो गया इसका महत्तम समापवर्तक। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे, 6, 5 और l को, 6m l को गुणा कर दो, तो कितना प्राप्त हो गया, 6m l, तो इसका महत्तम समापवर्तक 6m² l और 12m l³ का महत्तम समापवर्तक कितना है, 6m l है, ठीक है, ये अतः हो गया, ठीक, इतना प्राप्त हो गया हमारा आंसर। अब हम इसको उस विधि से भी हल करके देखते हैं, क्या ये मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देख लो 6m² l और क्या है, 12m l का क्यूब, हल करो। तो देखो 6 दोनों में है, तो इसको 6 से भाग दे सकते हैं, इसको 6 से भाग दे दो। फिर यहाँ पे देखो m दोनों में है तो m से भी जाएगा, फिर l दोनों में है तो l से भी जाएगा, तो कितने बार जा रहा है, यहाँ पे 6 कम 6 कट गया, ठीक है। उसके बाद एम में एम एक एम से एक एम कट गया, तो बचा क्या, 1m बचा, यहाँ पे l कट गया, ठीक है, तो सिर्फ बचा है m शेष। इसमें देखो 6 दूनी 12, 2 बार गया, तो 2 बार इसको लिखो, फिर m कट गया है, फिर l का क्यूब है, 1l है और l का क्यूब है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2l² बचेंगे, इसका शेष राशि ये प्राप्त हुआ। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हुआ। तो देखो यही मान आया यहाँ पे, तो ये क्या है, इसका आंसर है, ठीक, आपको समझ में आ गया। इसमें से एक और प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 24a² b c, और क्या है दूसरा, और इसमें एक और मान दिया है, वो क्या है, 20 b c का वर्ग,
ये दिया हुआ है, दो मान दिए हुए हैं, इन दोनों मानों का भी हमें क्या निकाला, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, तो देखो संख्या और संख्या कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पहले 24 एवं 20 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, इसको इस तरह से भी हल करके देख लेते हैं अलग अलग, बाद में इसको गुणा कर लेंगे, 24 और ये 20, इसका निकालो, तो दोनों किससे भाग जा सकते हैं, ठीक है, दोनों राशि को जाना चाहिए, तो चार के पहाड़े में दोनों आता है, तो देखो चार, 4 6 24 और 4 5 20, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 4 प्राप्त हो गया। फिर ये देखो ये है क्या, और यहाँ पे है नहीं है, तो इसका महत्तम समापवर्तक एक वर्ग का नहीं निकाला जा सकता, क्यों, क्योंकि दोनों में होना चाहिए तभी महत्तम समापवर्तक निकलेगा। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, अब आते हैं आगे बढ़ो, बी बी देखो दोनों में है बी बी, तो यहाँ पे निकालो बी एवं बी का महत्तम समापवर्तक, इसको भी ऐसे हल कर लो, तो बी और ये बी कितने जाएगा, बी से जाएगा, दोनों से जा रहा है, तो एक एक कट गया, बी एकम बी, बी एकम बी कट के आ गया, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना आया, बी आया। फिर देखो सी है यहाँ पे, सी एवं सी का महत्तम समापवर्तक, इसको भी ऐसे ही निकाल लो, तो सी और सी का वर्ग, तो देखो दोनों में सी है, सी बार से जा सकते हैं, सी एकम कट गया ये, और यहाँ पे एक सी कट के एक सी बचा, तो इसका कितना आ गया, सी। अब इसका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखो, अतः 24a² bc, 20 bc² का महत्तम समापवर्तक, इन तीनों को गुणा कर दे तो कितना आएगा, 4 bc प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आ गया, ये मैंने अलग अलग कर दिया था यहाँ पे, अगर आप इसको एक साथ भी करना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, ये समझाने के लिए आपको बताया गया है, 24a² bc, 20 bc², इस तरह से भी आप हल कर सकते हो। तो देखें, तो यहाँ पे देखो दोनों में किससे जा सकते हैं, ये संख्या 4 से जा सकता है, तो ये हो गया 4 से ये गया, ठीक है, दोनों के पहाड़े में 24 और 20 आते हैं 4 के पहाड़े में। अब यहाँ पे देखो ए यहाँ पे है, यहाँ पे ए नहीं है, तो ए को हम नहीं लेंगे, देखो यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी ले लो, और यहाँ पे देखो दोनों में सी है तो सी ले लो। अब कितने बार गए, अब इसको भाग दे देखते हैं, तो 4 6 24, ठीक है, ये गया, उसके बाद बी एकम बी कट गया और सी भी कट गया, और यहाँ पे ए कॉमन बच रहा है, ये बाकी कटने के बाद इतने बस कॉमन इसमें बचा है, ठीक है, कॉमन नहीं, इसमें शेष राशि जो बचा है वो है। उसके बाद यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे, इसको भी भाग दे के देखो, तो ये हो गया 4 5 20, फिर यहाँ पे देखो बी कट गया है, बी नहीं आएगा, उसके बाद देखो सी यहाँ पे, सी भी कट गया, एक सी बचेगा, तो ये कितना बचा, 5 सी, तो देखो यहाँ पे आ गया 4 bc, ये इसका महत्तम समापवर्तक है। ठीक, इस तरह से इसको निकालते हैं, इसके जो बाकी प्रश्न हैं उन सभी को आप लोग बना लेना, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्नावली को देखेंगे।